गंगा वर्सेस मंगा, लालची बहू और लिपस्टिक। एक दिन मंगा अपना सारा काम खत्म करके एक जगह बैठकर किसी सोच में पड़ गई थी। उसे देखकर उसकी सास गंगा उसके पास पहुंची। अरे मंगा, इतनी उदास बैठी है, क्या हुआ? क्या बताऊं सासू माँ, सर्दी का मौसम आ गया है, मेरे होंठ कैसे फट गए हैं, खून भी निकल रहा है, समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बाहर निकलने में भी मुझे बड़ी शर्म आ रही है। आज पंचायती ऑफिस में बहुत काम है मुझे, बस मैं यही सोच रही थी कि वहाँ सब लोग मुझे देखकर मेरा मजाक न उड़ाएं। ये बात सुनते ही गंगा अंदर जाकर एक लिपस्टिक लेकर बाहर आती है और उसे मंगा को देते हुए कहती है, ये ले मंगा, इसे अपने होठों पे लगा ले, इसे लगाते ही तेरे होठ सुंदर और चमकने लगेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अपने लालच से इसे किसी और को मत दे देना। हमेशा तू एक ही चीज करती है, मेरे मना करने पर भी तू वही काम करती है और सरदर्द मोल ले लेती है। इस तरह बोलकर गंगा अंदर चली जाती है। मंगा अपनी सास की बातों से सासू माँ तो सटक गई है कि मौका जब हाथ में होता है तभी चार पैसे कमा के जमा कर लेने चाहिए। ऐसा बोलकर वो आईने के सामने जाकर अपने होठों पर उस लिपस्टिक को लगाती है और लगाकर अपने आप को आईने में देखकर खुश होती रहती है। उस लिपस्टिक के लगाते ही मंगा के होठ चमक उठते हैं। ये देखकर मंगा के खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता और वो अपने आप को आईने में देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, देखो तो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ ना। अरे वाह, लगाते ही मेरे लिप्स तो पूरे बदल गए। ऐसा लग रहा है कि मेरी सुंदरता को मेरी ही नजर ना लग जाए। मैं इसी तरह अगर पंचायती ऑफिस जाऊंगी ना तो सब लोग की नजरें सिर्फ मुझ पर ही टिक जाएंगी। औरतें तो और भी, वो लोग सब मेरे होठ देखकर फिदा हो जाएंगे। इस तरह सोचकर वो तैयार होकर पंचायती ऑफिस के लिए निकलते हुए अपने सास से बोलती है, सासू माँ मैं जरा पंचायती ऑफिस जाकर आती हूँ। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। इस तरह वो बड़ी स्टाइल से पंचायती ऑफिस पहुँच जाती है। वहाँ मंगा को देखकर आसपास की औरतें बहुत आश्चर्यचकित हो जाती हैं। अरे मंगा, तेरा चेहरा क्या ऐसा बदल गया है, तेरे होठ ना एकदम कतरीना कैफ के होठों जैसे बन गए हैं, बड़ी खूबसूरत लग रही है, बताना क्या लगाया है तूने। कुछ लगाना जरूरी है क्या, तुम लोग जानते नहीं मैं तो पहले से ही खूबसूरत हूँ, आज मैंने अपने होठों पे थोड़ा सा लिपस्टिक लगाया है। तब दूसरी औरत बोली, सिर्फ लिपस्टिक लगा देने से इतना खूबसूरत हो जाता है चेहरा, सारे लिपस्टिक ऐसे नहीं होते, सिर्फ मेरे पास जो है ना उसे लगाने से ही मेरे होठ ऐसे चमक उठे हैं। ये बात सुनकर पहली औरत बोली, अच्छा तेरी लिपस्टिक क्या इतनी स्पेशल है, थोड़ा सा मुझे भी देना, मैं भी अपने होठों पे लगाऊंगी और देखूंगी कि मेरा भी चेहरा बदलता है या नहीं। ये बात सुनते ही गंगा के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो किसी भी तरह इस लिपस्टिक से पैसे कमाने की सोचती है। देखो दीदी, अगर आप चाहती हो कि आपका चेहरा भी मेरे चेहरे जैसा बन जाए तो बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे। मैं कितने भी पैसे खर्च करने को तैयार हूँ, बस एक बार मेरा चेहरा तेरे जैसा सुंदर बन जाए। इस तरह मंगा के कहते ही वहाँ के आसपास की सारी औरतें एक से बढ़कर एक आगे आकर उस लिपस्टिक की मांग करने लगती हैं। ये सब देखकर मंगा के पैसों का लालच फिर बढ़ जाता है। तुरंत उसके खुराफाती दिमाग में एक अच्छा सा आइडिया आ जाता है। वो सोचती है, अगर मैं अभी घर जाकर लिपस्टिक लाकर इन सबको लगाऊंगी तो खूब सारे पैसे कमाऊंगी। हाँ, बस सोचने में ही मुझे इतनी खुशी हो रही है, अगर वो सारे पैसे मैं अपने हाथ में लूंगी तो और कितनी खुशी होगी। इस तरह सोचकर खुशी खुशी वो घर पहुंचती है। अपने घर पहुंचकर मंगा चुपके से अपने सास के कमरे में जाकर उनके पुराने अटैची में से उस लिपस्टिक को निकालकर, हाँ किसी तरह ये लिपस्टिक मेरी हाथ लग गई है, अब इसे ले जाकर उस पंचायती ऑफिस के आसपास की सभी औरतों को ये लिपस्टिक लगाकर मैं खूब सारे पैसे कमाऊंगी।
ऐसा सोचकर वो उस लिपस्टिक को लेकर पंचायती ऑफिस पहुंचती है। वो सीधे पंचायती ऑफिस पहुंचकर वहां खड़ी सभी औरतों से बोलती है, ये देखो बहनों, आपके होंठ भी मेरी तरह चमकने लगे तो आप सबको 5,000 देने होंगे। जिन लोगों को ये बात मंजूर हो सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ। ये बात सुनते ही 10 औरतें जल्दी जल्दी लाइन में खड़ी हो जाती हैं। उन सभी औरतों के चेहरे पर लिपस्टिक लगाकर उनसे पैसे ले लेती है। लिपस्टिक लगाए हुए सभी औरतों के चेहरे मंगा के चेहरे की तरह चमक जाती हैं। इस बात से खुश होकर सारी औरतें अपने अपने घर चली जाती हैं और मंगा खुशी खुशी पैसे गिनते हुए घर पहुंच जाती है। अपनी बहू को देर से घर आता हुआ देखकर गंगा बोलती है, अरे गंगा, इतनी देर क्यों हो गई? तू फिर से कोई समस्या तो नहीं लाई है ना? अब तो हर बात पे शक करती हो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा बोलकर मंगा अपने कमरे में चली जाती है और अपने कमरे में उन पैसों को गिनने लगती है। इस बीच गंगा के रूम का दरवाजा खटखटा रही थी। उस आवाज को सुनकर मंगा बोलती है, छी, ये बुढ़िया ना चैन से एक मिनट नहीं रहने देती। इस तरह गुस्से से जब वो दरवाजा खोलकर देखती है कि जिन औरतों को उसने लिपस्टिक लगाया था उन सबके होंठ चिपक गए हैं और वो सब लोग इसे मारने के लिए आए हुए हैं। वो सभी औरतें गुस्से से मंगा को मारने के लिए बढ़ती हैं, लेकिन गंगा उन सबको रोक लेती है और अपने जादू से उन सबके होंठ पहले जैसे कर देती है। इस बात से सारी औरतें मंगा को माफ करके उसे गालियां देते हुए वहां से चले जाते हैं। तब मंगा चैन की सांस लेते हुए बोलती है, हाँ, थैंक यू सासू माँ। ऐसा बोलकर वो अपने कमरे में चली जाती है। हाँ, ये और इसका लालच कभी नहीं बदलने वाले। ऐसा बोलते हुए गंगा भी चली जाती है। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा। तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी।